गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह हम सजला की तरफ, वहां पर छोटा सा कुछ प्रोग्राम है और रसोई बनाने के लिए मुझे बुलाया गया है। तो अब जा रहे हैं, फ़िलहाल पार्किंग में है। और दोस्तों ठंड इतनी ज़्यादा है ना, और जगह जगह पानी जमा हुआ है बुरी तरह से, और संभल के जाना पड़ेगा अभी। तो गाइस, आज की मेरी छोटी सी रसोई इतनी तंग जगह पर है कि पूछिए मत, यहाँ तो गोल घूमना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, छोटी सी जगह है, छोटी सी रसोई है। दोस्तों कढ़ाई में चावल मैंने डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी हवा, कि मेरी कढ़ाई भी नहीं उबल रही सही ढंग से। अब भी थोड़ा थोड़ा उबलना शुरू हुई है, काफ़ी देर हो गए चावल डाले हुए, और बाकी की रसोई तो लगभग मेरी रेडी है, लेकिन चावल पता नहीं कब पकेंगे। सजला जो जहाँ पर मैं अभी कुकिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये जगह कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो रोहतांग की हवा चलती है सीधी आके यहाँ टकराती है, तो उस वजह से यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, और अभी भी वैसा ही हो रहा है। मेरी आग भी कई बार इस हवा की वजह से बुझ चुकी है। चाय आ गई दोस्तों, चाय पी लेता हूँ। मेरी रसोई एकदम से रेडी है, अब चलते हैं अंदर, रोटी खाने बुला रहे हैं तो चलते हैं। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, हल्के हल्के से बादल हैं जो कि अभी अभी आया है, सुबह तो बिल्कुल क्लियर था, और अभी फ़िलहाल वो हवा भी रुक चुकी है जो सुबह चली हुई थी। और रसोई बिल्कुल तैयार है मेरी, ओके रिपोर्ट है, मैंने भोग भी लगा दिया है। अब बस कसर रह गई है खाने वालों की, दो तीन गेड़े तो मैं खिला दूँगा, एक दो तीन गेड़े तो मैं खिला सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं अकेला नहीं खिला सकता इतने चावल। तो उसके बाद तो मैं शेरू भाई को बोलूँगा कि मुझे छोड़ दे, शेरू भाई जो यहाँ दरोगा हैं, तो मैं तो उनसे बोलूँगा कि भाई मुझे छोड़ दो, फ्री कर दो जल्दी, फिर करेंगे अगला प्रोग्राम आगे जाके। और दोस्तों मेरी पीछे वाली तीन वीडियो देखना ना भूलें आप लोग, क्योंकि वो सोलन टूर हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया उसमें, काफ़ी कुछ दिखाया मैंने उसमें, तो उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी। और आज मेरा वैसे रेस्ट करने का पूरा मूड था, रेस्ट करूँगा सोचा था लेकिन कर नहीं पाया, काफ़ी थकावट हो गई थी कल सफ़र की। आज सुबह जब उठा था थोड़ा चक्कर आ रहे थे हल्के हल्के से, क्योंकि आज सुबह भी काफ़ी जल्दी उठा हूँ मैं, रात को भी काफ़ी लेट सोया था, आपने देखा ही होगा 12 बजे के करीब तो हम घर ही पहुँचे थे। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग की, सोते सोते मुझे 2 बज गए थे लगभग, और उसके बाद मैं सुबह उठा हूँ 6 बजे के करीब, फिर नहाया धोया पूजा पाठ की, बस यहाँ आ गया। तो काफ़ी थका हुआ हूँ अभी भी, ऐसा लग रहा है मुझे रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन चलिए करेंगे, घर जाके ही करेंगे। अब अगर आज जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो घर जाके रेस्ट ही करेंगे। पहले जुकाम भी करवा रहे हम लोग, कुछ एक मेहमान है जाने वाले, जल्दी जाने वाले, तो उनको जुकाम करवा देंगे, तो नमक मिर्च का भी पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है कम ज़्यादा पता चल जाता है, तो उनको खिला देते हैं पहले। तब
दोस्तों मैं घर में पहुंच गया हूँ, पार्किंग में लगा दिया मैंने अपनी बाइक। और दोस्तों ठंड के जो क्या बताएं, ठंड के बारे में तो बता ही नहीं सकते, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। वशिष्ठ पहुंच चुके हैं हम लोग। ये है वशिष्ठ का क्राउड, वशिष्ठ की मार्केट, खूबसूरत अपनी मार्केट। चलिए चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों वहाँ पर इतनी हवा थी आज कि यहाँ देखिए क्या हो गया, इस छेद का पता भी नहीं चला कब आग ने छेद डाल दिया यहाँ पे। और सब कुछ हुआ है उस हवा की वजह से, हवा से उड़ के ऐसी चिंगारियाँ आ रही थी और मेरे इस स्वेटर पे लग गई और जल के बुरा हाल हो गया। जो अंदर इसके अंदर भी एक स्वेटर लगाई थी वो भी जल गई, इतनी बुरी तरह से आग लग गई आज। आग लग गई। हाय गुनू। हाय। तो दोस्तों जल्द ही गुन्नू के चैनल पे एक अच्छी सी वाइन डाल रहे हम लोग, तो देखिएगा उसको। अभी नहीं, आज कल नहीं आ रही है, लेकिन आएगी, बहुत जल्द आएगी। यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं आज का ब्लॉग, और अब कल मिलेंगे आपसे। पता नहीं कल का क्या प्लान होगा, कोई कुछ डिसाइड नहीं अभी, कहाँ जाना है क्या करना है, लेकिन शायद मनाली जाएंगे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ। गुन्नू रहेगी घर में नहीं। या मैं भी आऊंगी। नो नो आऊंगी। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं कल की वीडियो मेरी बनेगी। ओके बाय।